प्रेम जी, मैं अब आपके पास आती हूँ। अनिल जी भी हमारे साथ आ गए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन प्रेम जी, ये जो बड़ा जो डिजाइन है कांग्रेस का दिख रहा है, डिजाइन इन द सेंस की जो उनकी प्लानिंग है, आगे की प्लानिंग है, बीजेपी उसको भाप नहीं पाई। बीजेपी को ये लगा कि अरे कांग्रेस को हराना तो उनकी एक आदत बन गया था, हमेशा उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि कांग्रेस हार ही जाएगी। लेकिन कल की स्ट्रैटेजी देखने के बाद आपको लगता है कि एक नए पड़ाव में कांग्रेस अब एंटर कर रही है? और ये जो बड़ा अनाउंसमेंट प्रियंका गांधी की तरफ से आया कि 6 मई से लेकर 20 मई तक अब वो अमेठी और रायबरेली की ही देखभाल करेंगी, प्रचार करेंगी और उसको अपने हाथों से सींचेंगी, ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? और आपको लगता है कि क्या अगले 14 दिनों में चुनाव को पूरी तरह से पलटने में अगर सक्षम रहेंगी तो वो है प्रियंका गांधी, और बीजेपी कुछ नहीं कर सकती सिवाय वो हेल्पलेसली चीजों को देखे? शुक्रिया नीलू जी। देखिए, हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकी कांग्रेस को, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा बोलना होगा। समझते हुए वो असहाय हुई है, उसको थोड़ा संशोधित करके हम बोलना चाहते हैं। समझ तो रही है लेकिन असहाय हुई है। तो असहाय क्यों हुई है? क्योंकि जो जिस मामले में बीजेपी का एकाधिकार होता था नैरेटिव सेट करने में, किसी बात में वो अपने हिसाब से एक अलग तरीके से नैरेटिव कर देती थी, सेट कर देती थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने इन दिनों ऐसा किया कि उनको निहत्था कर दिया है। अब नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही, तो नतीजा ये क्यों नहीं कर पा रही? तो कांग्रेस के कुछ पॉजिटिव बातें हैं, जिसमें मैनिफेस्टो सबसे बड़ी बात है, जिसमें राहुल गांधी का 2 यात्राओं के बाद में कॉन्फिडेंस और बातों को पकड़ना और नैरेटिव देने की कला में निपुण होना, ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आना, ये होता है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने एक बात को समझा है, उन्होंने बताया है कि उनकी ये समझ है कि जब जैसे पार्टियों का आना जाना है, पार्टी में नेताओं का संगठन की कमजोरी है, तो उसको इन्होंने सैद्धांतिक रूप से समझा है कि जब हम सिद्धांत बदल रहे हैं पार्टी के, तो सिद्धांत से ही संगठन का निर्माण होता है, और हम सिद्धांत बदल रहे हैं तो संगठन संक्रमण फेज में जाएगा, इसलिए वो विचलित नहीं हो रहे हैं। कौन पार्टी छोड़ दिया, कौन G23 बना लिया, किसने क्या कह दिया, ठीक है, उस सोच के साथ इसका दायरा जितना बड़ा होगा और जितनी जल्दी बड़ा होगा उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे, और बहुत जल्दी इलेक्शन भी आ गया, ये चीजें हैं। अगर थोड़ा और वक्त मिला होता तो फिर बहुत आसान होता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी सोच को समृद्ध किया है और उस हिसाब से संगठन को देखना शुरू किया है, जनता को देखना शुरू किया है। एक और बात है कि राहुल गांधी ने इस बात को महसूस किया कि हम जनता से संवाद कैसे करें, संवाद करने के तमाम साधनों पर तो सत्ता ने कब्जा कर लिया, तो बात कैसे करें? तो इसका सोल्यूशन चूंकि नहीं निकल रहा था 2014 के बाद से, तो विपक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसका सोल्यूशन किसी और नेता ने लेकर उन्होंने नहीं निकाला, राहुल गांधी ने इसका सोल्यूशन निकाला कि हम जनता से कैसे बात करें। जब उन्होंने जनता से बात करना शुरू किया अलग अलग तरीके से, यात्रा तो एक पहलू है, उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स में अलग अलग समूहों में, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी गिग वर्कर्स, तमाम तरह से बातें शुरू की, और उसका हालांकि उसी उन्हीं प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल भी हुआ, यूट्यूब वगैरह से ही, लेकिन एक समांतर मीडिया वॉइस बन गई ओपोजिशन की, माने उसमें वॉइस खोज लिया ओपोजिशन ने समांतर मीडिया में। आज टीवी के दर्शक खत्म हो गए, आज भारतीय जनता पार्टी एड देने के लिए टीवी को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रही है, वो आ रहे इन्फ्लुएंसर्स के पास में, तो ये इन्फ्लुएंसर्स जो है इन इन्फ्लुएंसर्स के बीच में अब भागीदारी है, ऐसा नहीं कि एक तरफा बीजेपी का है। तो इस वजह से चुनाव को बदलने में सहूलियत, चूंकि बेसिक बात को राहुल गांधी ने पकड़ा। अब यहां पर अब चुनाव में देखिए, यहां भी उन्होंने अमेठी में इस बात को हटा दिया, नहीं करना हमें कल्ट की लड़ाई, नहीं लड़ना किसी से कल्ट की लड़ाई, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, मोदी सरकार से है, उसके विचार से है, हम किसी एक उसके कैबिनेट के एक मंत्री से लड़ाई ठान ले क्या? तो लोग हमको हारा हुआ बोले, भागा हुआ बोले, जो बोलना हो बोले, लेकिन ये तब तक बोलेंगे जब तक नॉमिनेशन स्क्रूटनी ना हो जाएगी, चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, 2-4 दिन की बहस होती है, होगी, उसके बाद चुनाव में ये बात खत्म हो जाएगी, रह जाएगा सिर्फ मुद्दा। और मुद्दों में कांग्रेस पार्टी इस बार धनी है,
विपक्ष को उसने समृद्ध बनाया है, दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अनुकूल अपने मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं। तो इस ये जो एडवांटेज मिला, और इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को है, तो ये जो एडवांटेज मिला, तो इस एडवांटेज के सामने बीजेपी अब अपने आप को निहत्था महसूस कर रही है। वो क्या बोले, राम मंदिर बोल पाती है अधिक से अधिक, राम मंदिर बोलने से भी तम उसका भी काउंटर सामने में है, चूंकि इंडिया गठबंधन बना है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन बनने से। पहले केवल कांग्रेस बोलती थी तो वो कहते थे ये तो विपक्ष की आदत है, रोना धोना है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ताकत लग गई, समाजवादी पार्टी की ताकत लग गई, आरजेडी लग गई, दक्षिण से में सारे संगठन महाराष्ट्र में खास करके सब लोग जब एक भाषा में बोलने लगे, आप देखिए सबके पास जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव बोल देते हैं या दे देते हैं जो मीडिया में चल रहा होता है और सारे लोग देख, किसी भी पार्टी के, कभी प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही होती हैं, कभी प्रियंका गांधी बोल रही होती हैं, तो चल रहा होता है। तो अब ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के नैरेटिव्स हैं, अब नैरेटिव्स ज्यादा विपक्ष के, ये बड़ा फर्क आया है। तो आने वाले समय में जो अब आपका प्रश्न था कि क्या प्रियंका गांधी चीजों को बदलेंगी, प्रियंका रायबरेली और अमेठी में, प्रियंका गांधी के दो भाषणों ने पूरे देश की फिजा को बदल दिया है। दो अलग अलग भाषण, एक भाषण जो अभी हाल का है जिसमें वो कहती है कि हमारे पिताजी की लाश को जब भेजा गया मेरा गुस्सा प्यार में बदला मोहब्बत में, वो वाला भाषण है। और दूसरा भाषण इससे पहले एक उन्होंने दिया था जिसमें मंगलसूत्र पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जवाब दिया था। इन दोनों भाषणों ने जनता को सीधे कनेक्ट किया, सीधे जोड़ा। पहले भाषण ने नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर दिया और दूसरे भाषण में झूठा ही नहीं साबित किया, ये इंदिरा गांधी का अपमान भी करते हैं, ये उन्होंने सबूत भी दिया, फिर सोनिया गांधी का भी अपमान करते हैं, ये शहादत का भी अपमान करते हैं। ये दो अलग अलग किस्म से इन्होंने नरेंद्र मोदी के पूरे नैरेटिव को फाड़ कर रख दिया सिर्फ दो स्टेटमेंट में। तो हम ये समझ सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली में जब वो खड़ी होंगी और बोलेंगी तो जो वक्तृत्व शैली उनकी विकसित हुई है बहुत विश्वास के साथ, हालांकि मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने कोई चांस नहीं दिया। आज परिवारवाद कहते हैं लोग, अरे ये कैसा परिवारवाद है जिसमें 52 साल की लड़की को, कोई महिला को कोई चांस ही नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने का। यहाँ तो छोटे मोटे नेता, भाई भतीजा फूफा चाचा सबको पूरा एक परिवार से कई कई लोग सांसद मंत्री बन बना देते हैं, और प्रियंका गांधी 52 साल की हैं, गांधी परिवार पर परिवारवाद चस्पा होता है, वो सांसद नहीं बन सकी आज तक, कोई पद सार्वजनिक जीवन में वैसा कोई मौका नहीं मिला। तो ये बहुत अफसोस की भी बात है और देश का ये नुकसान है कि इतनी शानदार वक्ता, इतना सुलझा हुआ राजनीतिक आज संसद में नहीं है, उस जगह पर नहीं है जहां कानून बनते हैं, कानून बनाने वाली शक्तियां जहां मौजूद हैं, वहां प्रियंका गांधी की अनअवेलेबिलिटी, उनका नहीं पहुंच होना देश का नुकसान है। जी नहीं, लेकिन